లేకపోతే మాత్రం సార్ సార్ మానే సార్ వైద్య ఏజెన్సీ యాప్ వైద్య ఏజెన్సీ యాప్ పెట్టేసుకో कैसे तुम रहे तो और बात इतनी अच्छी रहती। नहीं ना अच्छा हो गया ना दवा खाना तो अच्छा हो गया। दवा खाना अच्छा हो गया ना फिर आप जब इतना लड़के करे मैं शिवचंद्र इंस्पेक्टर हबीब नगर। आज साब एससी कॉर्पोरेशन एससी एसटी कॉर्पोरेशन का ईडी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मान्या नायक साहब और ईओ साहब रामुलु सर पहले इधर इंस्पेक्टर हबीब नगर करके अभी कारखाना को गया। ये साहब मधुकर स्वामी सर पूरा मिलके इधर आ गया। पूरा इधर क्या प्रॉब्लम है वो पूरा वो साहब एससी कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स को बताए। इधर
एससी कॉर्पोरेशन वाला क्या बोला उसको, क्या होना बोले तो वो बोलने को भी नहीं आ रहे, अभी वो पढ़ने नहीं, वो पूरा फिर के आया, पूरा इंक्वायरी भी कर लिए, इसके वास्ते पूरा इंफॉर्मेशन लेना, फैमिली सर्वे करना एक बार, फैमिली सर्वे करने के बाद किसको कितना मेंबर है, बच्चे है, ऐसा पूरा इंक्वायरी करने के बाद उनको कैसा पढ़ाना, पहले एडुकेशन देना उनको, वो बाद में एडुकेशन का, एडुकेशन पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बाद में ये उनको गवर्नमेंट से क्या क्या आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, ऐसा पूरा उनको बताना, गवर्नमेंट स्कीम की उन्होंने एलिजिबल है तो वो एलिजिबल का बारे में इनको करने का रेडी है, वो पहले इनको सर्वे करे तो मालूम हो जाते, उसके लिए इधर आ गया मधुकर स्वाम सर, इधर पहले इंस्पेक्टर हबीबनगर करके गया साहब, बहुत ये मांगर बस्ती वाला बहुत प्यार करे साहब को बहुत ऐसा को साहब आए तो पूरा साहब के वास्ते पूरा मिलके साहब क्या वो होना साहब मेरा ये होना साहब ऐसा बोल के बोल रहा है वो साहब ऐसा मिल गए उनसे मिल गए ये ऐसा वो करने का बहुत इम्पॉर्टेंट है वो कर लेना पड़ता अभी वो रेवेन्यू वाला भी इधर आके रेवेन्यू वाला जीएचएमसी वाला वो पूरा मिलके गए तो मिलके वो करे तो वो मांगर बस्ती अच्छा बस्ती बन जाते अच्छा बस्ती बन जाने के लिए पूरा मिलके करना पुलिस वाला भी हम कोऑपरेट करूँ उसके लिए जीएचएमसी वाला पूरा मिलके आए तो हम भी कोऑपरेट करके चल जाते। आज मांगर बस्ती में एससी कॉर्पोरेशन का ईडी और हबीबनगर का इंस्पेक्टर शिवचंद्र साहब और पूरा टीम मिलके आज मांगर बस्ती में विजिट कर रहे थे। आपको सबको मालूम है इससे पहले सब डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पर मीटिंग लगाए थे। इससे पहले बहुत प्रॉब्लम क्या है बोल तो इन लोगों को कैस्ट सर्टिफिकेट नहीं देते थे। इससे पहले आरडीओ और एमआरओ आके पूरे लोगों को इन लोगों का कैस्ट मांगरोड़ी है वो कम्युनिटी वाइज एससी होता बोल के सब लोगों को रेवेन्यू वाले समझ के पूरे लोगों को एससी सर्टिफिकेट दिलाए थे। बाद में जो कुछ सर्टिफिकेट्स होना गवर्नमेंट के तरफ से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ यहाँ पर इन लोगों को कोशिश करके पूरे लोगों को दिलाए थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एलिजिबिलिटी पर्सन्स को पेंशन्स भी आ रहे मगर बहुत लोगों को और आने का है। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज ओपन ड्रेनेज चल रहे हैं, उनका घरा भी बाजू की है, उधर ही खाना पका रहे, बच्चों बहुत वीक है, एनीमिक पेशेंट्स है सब। अभी आज हॉस्पिटल में देखे तो डेली एक छोटा बस्ती में ऑलमोस्ट ऑल 200 to 300 पेशेंट्स डेली हॉस्पिटल को विजिट कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा वायरल फीवर डेंगू फीवर से यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा और बहुत बच्चों ने एनीमिक है, कोई खाने का में थकियत नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, उसके लिए बहुत वीक है। एजुकेशन के लिए भी कोई स्कूल को नहीं जा रहे, ये पूरा प्रॉब्लम्स है, ये सबके डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके करने का है। ज़्यादा से ज़्यादा जीएचएमसी पीपल उन लोगों आके वो गार्बेज निकालना है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम रेक्टिफाई करना है, उसका तबीयत के लिए हेल्थ के लिए डॉक्टर सब यहाँ पर है, अच्छा डॉक्टर है, बस्ती में दवाखाना है, अच्छा डॉक्टर भी है, मगर वो डॉक्टर को पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, मगर पेशेंट्स को किस लिए वहाँ ज़्यादा फेवर्स आ रहे ये चीज़ अपन देख लेना है। ज़्यादा ओपन ड्रेनेज होने से पूरा ये वायरल फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसको अगर जीएचएमसी पीपल ने रेक्टिफाई करे तो ओपन ड्रेनेज रेक्टिफाई करके गार्बेज निकाल दिया तो ये प्रॉब्लम्स उनका फेवर नहीं आते थे। और एजुकेशन भी अभी आप लोगों को बता दें एजुकेशन से ही अपने को चेंज होता, एजुकेशन नहीं होने से चेंज नहीं होता, अपना डेवलपमेंट एजुकेशन से ही होता। ये बच्चों को अच्छा स्कूल भी है, अगर बाहर भी स्कूल अच्छा अच्छा डेवलपमेंट है, एससी कॉर्पोरेशन का स्कूल बहुत अच्छा है, ये बच्चों को थोड़ा एजुकेशन पेरेंट्स को एजुकेट करके इन लोगों को स्कूल को एडमिशन दिलाना अच्छा पढ़ाने के लिए अभी पुलिस डिपार्टमेंट भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। और इधर एससी कॉर्पोरेशन वाले अपने को वादा करा था, इससे पहले भी अपने को वादा करा, उन लोग जो कुछ पेंशन्स नहीं आ रहे वो पेंशन्स वाले रेवेन्यू वाले देख रहे हैं, जो कुछ अभी लोन देने का है कोई एड्स पेशेंट्स है उनको 50,000 देने के लिए साहब ने अभी बता दिया थे है। फिजिकली चैलेंज जो कि लंगड़ा होता उन लोगों को भी रेगुलर पेंशन के लिए एमआरओ ऑफिस और लोन के लिए एससी कॉर्पोरेशन वाले देने के लिए अभी प्रॉमिस कर रहे थे। इसके अलावा भी बहुत स्कीम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट अपने को डेवलप करने के लिए पढ़ाई करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट कोऑपरेट कर रहे। अभी भी आज तीनों डिपार्टमेंट का पुलिस डिपार्टमेंट एससी कॉर्पोरेशन के साथ अभी आज विजिट करा और नेक्स्ट हफ्ते के बाद गणेश इमर्शन के बाद जीएचएमसी पीपल
और हेल्थ पीपल सब डिपार्टमेंट के साथ एजुकेशन वाले आके एक बार विजिट करने के बाद प्लान ऑफ एक्शन एक रोड मैप रख के क्या क्या करना, कौन सा डिपार्टमेंट वाला क्या करना है, लोन्स कैसे देना है, इन लोगों को ट्रेनिंग कैसे देके उनको एजुकेट कैसे करना है, ये पूरा चीज़ देके पेंशन देना है ना, लोन देना है ना, एजुकेशन करना है, हेल्थ इश्यूज़ है, ये पूरा देख लेके बच्चे को सब मिलके करेंगे बल्कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ। थैंक यू।